मतदाताओं की खामोशी से बढ़ रही प्रत्याशियों की धड़कन। रिंजी ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है त्रिकोणीय संघर्ष। 20 जनवरी को मतदान के बाद साफ होगी तस्वीर। पंचायतों के लिए हो रहे उपचुनाव में सरायपाली जनपद क्षेत्र के 2 ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की खामोशी प्रत्याशियों को परेशान कर रही है। हालांकि विकास संबंधी अनेक मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर मतदाताओं को टटोलने में जुटे हुए हैं। आपके ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहा है, किसको चुनाव के लिए आप लोग खड़े किए हैं और क्या आप लोगों की व्यवस्था आगे रहेगी? तेजलाल बरिया को गए हैं, मतलब खड़े किए हैं और आगे काम के लिए जैसे गांव में मतलब पुलिया निर्माण बटकी रास्ता में जो पुलिया है उसका मांग है और जैसे स्कूल है हमारे यहाँ 9वीं-10वीं स्कूल का मांग है पब्लिक का, तो उसको करने का प्रयास करेंगे और गली कंक्रीट उंक्रीट जो बचा है उसको भी करवाएंगे और गांव में जैसे बिजली के लिए बोले पब्लिक तो उसको भी करेंगे। ये पहले के कार्यकाल में ये सब काम नहीं हो रहा नहीं था। हुआ है ये काम, तो इसलिए आप लोग ये मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को चुनाव में क्या स्थिति है? चुनाव तो ठीक लग रहा है, आप पब्लिक के ऊपर समझो, अभी तो हमको अच्छा लग रहा है। क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के बीच सर्वाधिक दिलचस्प मुकाबला ग्राम पंचायत रिमझी में देखने को मिल रहा है, जहां प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है, जिसके चलते प्रत्याशी कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक प्रत्याशी का पलड़ा यहां काफी भारी लग रहा है। वहीं इधर बाटकी पंचायत में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जब हमारे प्रतिनिधि ने प्रत्याशी से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्राम में पेयजल की व्यवस्था करने एवं साथ साथ गली कांक्रीटकरण सहित अनेक विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की बात को लेकर वह मतदाताओं के पास जा रहे हैं। सरपंच चुनाव जीतने के बाद गली कांक्रीटी नल लाइन व्यवस्था और क्या कराएंगे? स्कूल हाई स्कूल जो अधूरा काम हुआ है उसको पूरा कराएंगे। कल 20 जनवरी को मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रिमझी में 3 गांव सम्मिलित हैं और 3 गांवों में एक एक प्रत्याशी मैदान में है, जिससे यहां की जनता किस आधार पर किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी यह तय नहीं कर पा रही है और ना ही प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं कि विजय श्री की माला किसके वरण करेगी। सरायपाली से जीत तिवारी की रिपोर्ट।